बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, श्रमिकों की दुर्दशा पर कांग्रेस कसूरवार है। मायावती ने कहा है कांग्रेस की वजह से श्रमिकों की दुर्दशा हो रही है, यूपी में करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर असली कसूरवार कांग्रेस है। आजादी के बाद से कांग्रेस का शासन काल रहा, गांव शहरों में रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं की, जिस कारण दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा मजदूरों को। कांग्रेसी नेताओं में हमदर्दी कम, नाटक ज्यादा है, श्रमिकों के साथ नाटक कर रहे हैं कांग्रेसी। कांग्रेसी नेता के वीडियो में नाटक ज्यादा लगता है, कांग्रेस के पदचिन्हों पर ना चले बीजेपी, ये कहा है मायावती ने। मजदूरों की सही व्यवस्था करे सरकारें, उनके गांव शहरों में ही रोजी रोटी की व्यवस्था हो, प्रवासी मजदूरों को सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। बीएसपी कार्यकर्ता श्रमिक की मदद करें, मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया है, यानी कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं को आगे आकर श्रमिकों की, प्रवासी लोगों की मदद करने की बात कही। और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, प्रवासी मजदूरों की, लोगों की जो इस वक्त मुश्किलें हैं उसका कसूरवार मायावती ने बीजेपी के साथ साथ अब देखिए कांग्रेस को सबसे प्रमुख तरीके से माना है, और बीजेपी को भी कहा है कि वो कांग्रेस के पद चिन्हों पर ना चले। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, लगातार मायावती कांग्रेस पर हमलावर है, बीजेपी को भी नसीहत दे रही है कि कांग्रेस के पद चिन्हों पर ना चले, ट्वीट करके एक बार फिर से जाहिर कर दिया ये उन्होंने। देखिए, चूंकि राहुल गांधी दिल्ली में जो है मजदूरों से मिले थे, उनसे बातचीत की थी, और मजदूरों की दुर्दशा पूरे देश में है और यूपी में खासतौर से लोग देख रहे हैं, तो मायावती का ये आरोप है कि कांग्रेस इस तरह की वीडियो जारी करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के शासन रहा है देश में आजादी के बाद से, और अगर उनका आरोप है कि अगर कांग्रेस ने व्यवस्था की होती उनकी सरकारों ने, तो मजदूर आखिर बाहर काम करने क्यों जाता है, क्यों पलायन करना पड़ता है और क्यों अपने घर में काम मिलता, तो ये उन्होंने इसको एक नाटक करार दिया है राहुल गांधी की ओर से। लेकिन ये जरूर है कि मायावती की तुलना में और भी राजनीतिक दल हैं जिनको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी है, लेकिन अब राजनीति के अपने अपने तरीके हैं। जो मायावती सत्ताधारी दल पे हमलावर होना चाहिए वो कांग्रेस पे अटैक कर रही है। कांग्रेस आज विपक्ष में है, कांग्रेस को अतीत की गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन वर्तमान हालात के लिए सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनको उसके उसकी जिम्मेदारी है और उन पर सवाल होने चाहिए। जी, लेकिन वीरेंद्र जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिर ये क्यों कि मायावती कांग्रेस को निशाने पर ले रही, क्या ये इस वजह से कि प्रियंका गांधी आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो गई है, इस वजह से दूरी है कांग्रेस से विपक्षी होने के बावजूद भी, और बीजेपी को साइड में रख रही है मायावती? बिल्कुल, देखिए निश्चित ही अगर कोई और राजनीति दल आगे बढ़ेगा तो मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश से चलती है, तो स्वाभाविक है कि वो इसको काउंटर करेंगी जी। और एकदम सही सवाल है आपका कि प्रियंका गांधी की सक्रियता और कांग्रेस को मिलते लाभ को कम करने के लिए मायावती का ये बयान देखा जा सकता है उस नजरिए से जी। लेकिन मजदूरों की दुर्दशा आज से नहीं रही है, और आज इस देश में इतनी आबादी है और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है, तो उन्हें पलायन करना पड़ता है। 6 साल से बीजेपी की भी सरकार है, उससे पहले देश में कांग्रेस की सरकार रही जी। तो मायावती दोनों को बराबर की जिम्मेदार ठहराती रही है, और यही वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी के वीडियो की आलोचना की है जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए मायावती का ये तंज ये दिखाता है कि कांग्रेस से दूरी उनकी किस कदर बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि इससे पहले कल ही सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी मायावती ने अपना किनारा कर लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो आजादी के बाद से कांग्रेस का शासनकाल रहा, जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस को। और अब देखिए ट्वीट है वो हम आपको दिखा देते हैं, आज पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा है वो किस वजह से, इसकी जिम्मेदार प्रमुख रूप से कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था होती तो गांव शहरों में लोग होते, दूसरे राज्यों में वो पलायन नहीं करते, उनको पलायन नहीं करना पड़ता। ये मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है कांग्रेस पर। वैसे ही वर्तमान में कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार लोगों के लिए जो मदद के नाम पर बात कही जा रही वो सिर्फ एक नाटक है, हमदर्दी वाला कम, ये वीडियो बयान कांग्रेस की तरफ से नेता करते हैं वो नाटक ज्यादा लगते हैं, ये ट्वीट करके मायावती ने कहा है। साथ ही बीजेपी को भी नसीहत दी कि वो केंद्र व राज्य सरकारें सही से काम करें, कांग्रेस के पदचिन्हों पर ना चले, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति पर यदि अमल करते हैं तो फिर आगे श्रमिकों की ऐसी दुर्दशा नहीं होगी, शायद कभी उन्हें समस्या झेलनी नहीं पड़ेगी। ये कहा गया है सरकारों को, अगर वो ध्यान दे मजदूरों पर, श्रमिकों पर, गरीबों को, तो लोगों की दुर्दशा आगे ऐसी कभी ना हो। बीएसपी के लोगों से अभी अपील की कि वो आगे आए
और लोगों की मदद करें, हाथ बढ़ाए मदद के लिए, मानवीय मदद करने का प्रयास करें, बीएसपी के कार्यकर्ता ये कहा है। और मजलूम ही मजलूम की सही मदद कर सकता है, इसका जिक्र भी मायावती ने अपने ट्वीट में किया है, जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं बीएसपी सुप्रीमो। मायावती लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस को इस वक्त जो श्रमिकों की, गरीबों की, मजदूरों की स्थिति, उसका जिम्मेदार वो मुख्य रूप से मानती हैं, और साथ ही साथ बीजेपी को भी नसीहत दे रही है कि वो पदचिन्हों पर ना चले। अब देखिए कांग्रेस ने इस पर पलटवार क्या किया है। कांग्रेस की नरेगा जैसी योजनाएं इस आपदा के दौर में सबसे ज्यादा काम आ रही हैं। आपने यूपी की जनता को लूट कर अपना महल खड़ा किया है इस संकट के समय, उस महल को मदद के लिए भी नहीं खोला। अब कांग्रेस से ट्वीट करके पलटवार कर रही है, कांग्रेस की नरेगा जैसी योजनाओं को महत्वपूर्ण बता रही है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने न्याय योजना भी लागू की, इसका भी जिक्र किया है ट्वीट करके।